हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग संचिता। तो गाइस, आज मैं बनाने वाली हूँ पोटैटो टैकोस। तो मुझे वीडियो के अंदर जाने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलते हैं वीडियो के अंदर। तो टैकोस के लिए सबसे पहले हम एक बॉल ले लेंगे। इसमें मैं डालूंगी 2 स्पून मैदा, बड़े वाला 2 स्पून लेना है आपको। इसमें ऐड करने वाली हूँ मैं सॉल्ट, टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट डालना है आपको। इसके बाद डालूंगी मैं ऑयल। पहले हम इसको सूखा अच्छे से मिक्स कर लेंगे सभी चीज़ों को। देख सकते हो आप, इस तरीके से बनना चाहिए ये। तो इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और एक सॉफ्ट डो लगाना है आपको। तो देख सकते हैं आप, मैंने अपना डो रेडी कर लिया है। ये इसको इस तरीके से सॉफ्ट लगाना है आपको। इसको मैं 10 मिनट्स के लिए कवर करके रख देती हूँ। तो सबसे पहले हम एक पैन ले लेंगे, इसको अच्छे से हीट कर लेंगे। इसके अंदर ऐड करेंगे हम ऑयल। तो इसके बाद डालूंगी मैं ऑनियन। मैंने इसको लंबा लंबा कट कर लिया इस तरीके से। तो इसे मैं अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लूंगी इसको। तो देख सकते हैं आप, हमारी जो ऑनियन है वो अच्छे से गोल्डन हो गई है। इसके बाद ऐड करूंगी मैं बॉयल पोटैटो। मैंने इसको अच्छे से मैश कर लिया है। तो इसके बाद ऐड करने वाली हूँ मैं सॉल्ट। टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको सॉल्ट डालना है इसमें। इसके बाद डालूंगी मैं ओरिगैनो। इसके बाद डालूंगी मैं चिली फ्लेक्स। इसके बाद ऐड करूंगी मैं 1 टेबल स्पून घी। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसके बाद ऐड करूंगी मैं मैजिक मसाला। तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसके अंदर मैं डाल रही हूँ कस्तूरी मेथी। आपके पास ये नहीं है तो आप इसको स्किप करके कोरिएंडर भी डाल सकते हैं। तो हमारी स्टफिंग रेडी हो चुकी है। तो हम फ्लेम को कर देते हैं ऑफ और इसको थोड़ा कूल डाउन होने देंगे। तो देख सकते हैं 10 मिनट्स हो गए हैं। तो हम अपने डो को देख लेते हैं एक बार, कितना सॉफ्ट लगा है। इसको अच्छे से फिर से मथ लेंगे। तो इसकी हम लोई बना लेंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से हम थोड़ा डस्ट कर लेंगे मैदे को। इस पर हम अब इस तरीके से डो रख देंगे। इसको रोल करेंगे। इसको अच्छे से रोल करते जाएंगे। इसको हमें ज़्यादा मोटा और ज़्यादा पतला नहीं रखना है, बीच मीडियम साइज का रखना है हमें। तो देख सकते हैं आप, हमें इस तरीके का साइज़ रखना है ये। तो हमने तवे को अच्छे से हीट कर लिया है। इसके अंदर हम इसको डाल देते हैं। बिना ऑयल बिना घी लगाया हम इसको अच्छे से कुक करेंगे। दोनों साइड से हम इसको अच्छे से कुक कर लेंगे। तो देख सकते हैं आप, ये इधर से कुक हो गया। हम इधर से साइड से भी अच्छे से पका लेंगे इसको। तो देख सकते हैं आप, कितने अच्छा दिन, देखिए कितना अच्छा फूल रहा है ये। तो इसको हम उतार लेंगे इस तरीके से। तो इसके बाद लगाऊंगा मैं इस पर पिज़्ज़ा सॉस। इस तरीके से अप्लाई कर देंगे। तो इसके बाद जो हमने अपनी स्टफिंग रेडी करी हुई है, हम इसको इस तरीके से रख देंगे। हाफ साइड पे रखना है आपको। तो इसके ऊपर डालेंगे हम चीज़, मुजरेला चीज़। तो हम इसको इस तरीके से कवर कर देंगे इसको। देख सकते हैं आप, तो देख सकते हैं हमारा टैकोस। तो हम अपने तवे पे अच्छे से बटर लगा देंगे इस तरीके से और अपने टैकोस को इस पर रख देंगे इस तरीके से। देख सकते हैं आप, इधर से भी हम इसको अच्छे से बटर लगा देंगे इस पर, ताकि दोनों साइड से अच्छे से कुक हो जाए। तो देख सकते हैं, तो इसको हम इस तरीके से फिर इधर से पका लेंगे। तो देख सकते हैं आप, कितना क्रिस्पी बना है ये। तो देख सकते हैं आप, कितना अच्छा कलर आया है। तो हमारा टैकोस रेडी हो चुका है। तो हम अपने फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं, मैं इसको बीच में से काट के दिखाऊंगी आपको, ये कितना अमेजिंग लगता है खाने में, बड़ा टेस्टी लगता है ये। तो देख सकते हैं आप, कितना अच्छा बना है ये। मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं।